को लेकर सर आपकी पहले प्रतिक्रिया चाहेंगे? क्या तिलक को लेकर? सर तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया और बीजेपी पर निशाना इस माध्यम से। तो मैं तो कहता हूँ आज तलवार लेकर के निकले जगतानंद से। अगर तिलक लगाने वालों ने गुलाम बना दिया तो आज सनातन पर प्रहार हो रहा है। जगतानंद सिंह तलवार लेकर के निकले सनातन विरोधियों को खत्म करने के लिए। सनातन की सहिष्णुता ही सनातन का सबसे बड़ा पूंजी है और सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं और सनातन की परीक्षा ना लें। सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम भी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। इसीलिए आप चिंता ना करें, शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ सनातन चलता है। तो ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ो इससे नहीं चलेगा, मस्जिद तोड़ो इससे नहीं चलेगा, गुमराह करने तक जैसी बातें जो हैं अब कही जा रही हैं उनकी तरफ से। क्या मंदिर तोड़ो से देश नहीं चलेगा, मस्जिद तोड़ो से देश नहीं चलेगा, जब विदेश गुलाम था तब लालू तो नहीं थे, ये सब तमाम चीजें सर आपकी प्रतिक्रिया इस पर? गुलाम हुआ था तो लालू जैसे लोग ही थे जो सत्ता की लालच में मुगलों का साथ दिया था। आज हिंदू को वोट बैंक नहीं मानने वाले लोगों को भ्रम है कि हिंदुओं को जातियों में हम विभक्त कर देंगे। अब विभक्त है मुसलमान जिंदाबाद। बिहार के लालू का यही ख्वाब है, लालू जी का, नीतीश जी का। और इसीलिए 5 दिन हो गया स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर राहुल, नीतीश और लालू की जुबान बंद है। क्या राहुल, लालू और नीतीश अपनी जुबान कब खोलेंगे? बिना सनातन को खत्म किए नहीं खोलेंगे। अगर नहीं माफी मांगे तो देश का सनातन, बिहार का सनातन एक एक पाई का हिसाब। स्टालिन ये कह रहे हैं कि मैं हर कानूनी उससे गुजरने को तैयार हूं और वो ये भी कह रहे हैं कि गुमराह करने के लिए, इस मुद्दे को भटकाने के लिए अब सनातन का सहारा बीजेपी ले रही है, सब प्रतिक्रिया। देखिए इंडिया INDIA गठबंधन सोची समझी रणनीति के तहत चल रही है। बॉम्बे मीटिंग के बाद उन्होंने तय कर लिया, स्पोक्स पर्सन बना दिया। अब देश को तय करना है कि उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं, राहुल गांधी चुप क्यों हैं, लालू यादव चुप क्यों हैं, नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। क्या छठ पूजा करते थे नीतीश बाबू लोगों को दिखाने के लिए? लालू यादव गए थे बॉम्बे में मंदिर लोगों को दिखाने के लिए? उद्धव ठाकरे हिंदू बनते हैं अपने को लोगों को दिखाने के लिए? एक एक पाई का हिसाब लेगी देश। सर बस इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए, जी परमेश्वर ने जो जिस तरह से, अरे हो गया यार, ये कांग्रेस के टोटल टुकड़े टुकड़े। जी परमेश्वर केवल बोल रहे हैं, खड़गे जी का बेटा बोला है, कार्तिक चिदंबरम बोला है, इसलिए कांग्रेस की ये सुनियोजित है। सर वो जिन्ना से वो तुलना कर देते हैं, थरूर कहते हैं कि इंडिया का विरोध तो जिन्ना ने किया था, ये आखिरी प्रतिक्रिया सर इस पर दीजिए। इंडिया का विरोध जिन्ना ने किया था, थरूर कह रहे थे, शशि थरूर का क्या बयान दूं? जिन्हें ज्ञान नहीं है वो भारत का विरोध किया था, जिन्हें ज्ञान नहीं है आजादी के पहले से, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसी समय से जिन्ना जैसे लोग पैदा लिए थे। इसीलिए ज्ञान अर्जित कर ले, भारत का विरोध किया था, भारत का विरोध किया।